सुरागीलाल से सर, आज तिवारी जी का जयंती भी है और जन्म दिवस भी है, विकास पुरुष के नाम से जाने थे, किस तरह से सर उनको याद किया? देखिए, सरदेव नारायण दत्त तिवारी जी का जन्मदिन भी है और निर्माण दिवस भी है, जो विकास के पर्याय थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकास परक सोच रखने वाले महान शिक्षाविद, एक जननायक के तौर पर हमने उन्हें देखा है। आज भी सभी धर्म मजहब से ऊपर उठकर तिवारी जी को, सरदेव तिवारी जी को स्मरण करते हैं। उनका योगदान देश के निर्माण में, देश के आज़ादी में, उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के निर्माण से लेकर उत्तराखंड के विकास में जो उनका भूमिका रही है, वह दृष्टांत बहुत कम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। युग पुरुष थे और मुझे उनके संरक्षण में एक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के में और उत्तराखंड में काम करने का अवसर मिला, और मैं कह सकता हूं कि सदैव नारायण दत्त तिवारी जी का आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उनसे मैंने राजनीति का कौ सीखा। तो ये हम सब का जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि सदैव नारायण दत्त तिवारी जी का जो विकास परक सोच थी, जो उनका कमजोर वर्गों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में उन्होंने काम किया, अजात शत्रु थे तिवारी जी, उसे हमें सीखना चाहिए। और उनके जो बताई राह है, जो उन्होंने कहा उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में देखना चाहते थे, उसको हम आगे बढ़ाने में हम सबको प्रयास करने चाहिए, सबको मिलजुल कर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। सर, 5 साल सरकार चलाने का भी श्रेय जो है वो तिवारी जी के पास जाता है कि 5 साल उन्होंने चलाई, वरना तो राज्य बनने के बाद से ढाई ढाई साल के सीएम रहे। देखिए, व्यापक अनुभव, और मैंने कहा ना, सबको साथ लेके चलने की मनोवृत्ति प्रवृत्ति उनकी रही जी। और जो एक आधारशिला सदैव नारायण दत्त तिवारी जी विकास की यहाँ पर रख गए, और जो उन्होंने मूर्त रूप दिया विकास का, उसके सरकारें आती रही हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वह एक इतिहास के पन्नों में सुरक्षित सा है। और जो आज हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो विचारधारा, वो सोच, वो सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति आज दिखाई देती है राजनेताओं में, उसमें सभी हम लोग शामिल हैं। सुरागढ़ से बात करने धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज जिस तरीके से तिवारी जयंती भी है और तिवारी जी का को लेकर आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम भी नवचेतना भवन में किया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के नाम पर तिवारी जी को जाना जाता था, विकास पुरुष कहा जाता, कि चाहे वो सरकार की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, हर किसी के से मिलते थे और साथ ही जो है विकास के नाम पर वो जाने जाते थे। देखिए, विकास पुरुष के नाम से उन्हें दुनिया जानती है, और ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि और जयंती मनाने का एक सौभाग्य, मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है काशीपुर में, क्योंकि काशीपुर ही उनकी कर्मस्थली है और उनकी मतलब काम की कोई, मैं समझता हूँ ना, ऐसा नेता हुआ है ना होगा जो उनकी सोच थी। हर गरीब व्यक्ति तक चाहते थे कि वो विकास की योजना उनके लाभ तक पहुँच सके, क्योंकि वह बहुत, दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन उसके बाद भी उनमें जो एक जज्बा था काम करने का, इतनी एज के बाद भी, मैं समझता हूँ वो किसी में नहीं है। हमारे प्रदेश में जो भी विकास हुआ है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो उन्हीं की बदौलत है, और हमारी पार्टी जो है उसी को, उन्हीं के रोड मैप के ऊपर हम लोग आगे काम कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज जो प्रदेश जो है जो स्टेज पे है उन्हीं की बदौलत है। आज हम ही सब कांग्रेस के लोगों ने नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि मनाई, और जैसा कि सर्वविदित है, माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष थे, उन्होंने अपने क्षेत्र काशीपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर विकास के कार्य किए, और यही नहीं, नारायण पंडित नारायण दत्त तिवारी विपक्ष में भी पूजे जाते थे, क्योंकि उनकी एक काम करने की नियति थी, और वह कभी काम करते समय ये देखते ही नहीं थे कौन
विपक्ष पार्टी का है, कौन अपनी पार्टी का है, उनका सिर्फ एक ही काम रहता था कि वह विकास की सोच रखते थे और विकास को आगे बढ़ाने का काम करते थे। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।